नमस्कार दोस्तों, मैं कस आप लोगों सभी का स्वागत करता हूँ एस एन दया चैनल पर। दोस्तों, आप ये घोड़ी देख रहे हैं, एकदम प्योर नौकरी घोड़ी है, बाहर भूरे में साफ सुथरी। देखिए आप, एकदम गुलाबी कलर चमड़ी इसकी, और प्योर स्पॉटलेस है, एकदम कनौतीबाज। इसकी उम्र की बात करें तो तकरीबन दोस्तों इसकी 21 महीने की उम्र है, और हाइट की बात करें तो 69 के आसपास इसकी हाइट है। बढ़िया साफ सुथरी बच्ची है, देखिए आप। लेकिन आप खरीदने जाते हैं तब मालिक अगला बोलेगा कि मेरी घोड़ी एकदम साफ सुथरी है, आप चला के देखिए, ब्याह शादी में लगा के देखिए, सब चीज़ में यानी परफेक्ट है। लेकिन आप देखिए, आप पछाड़ी यानी कि सभी लगाते हैं, जो पीछे वाले पैर बंधे हुए हैं। काफ़ी लोग सेफ्टी के लिए लगाते हैं, काफ़ी लोग यानी कि छोटी बच्ची होती है, घोड़ी होती है, वो ग्रोथ लेंथ उसकी अच्छी हुई है, यानी कि थोड़ी आगे चारे चले खींच के। दोस्तों, अगर आप खरीदने जाते हो और घोड़ी चारा चर रही है या कहीं बंधी हुई है, तो आप उसके रस्से को देखना जो बंधा हुआ है उसको। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बेल लगा यानी कि घाल रखे हैं इसके मोहरे पे, और खूंटे से उसे बांध रखा है। अक्सर यानी कि आप देखे होंगे यानी कि घोड़े को रस्सी से बांधते हैं, क्या आप कभी सोचे हैं कि ये बेल से क्यों बांधे हैं? अगर आप ऐसी घोड़ी को ख़रीद के लेके आ जाते हैं और पीछे यानी कि आप पछाड़ी नहीं लगाई, आप डायरेक्ट रस्सी से बांध दिए, तो हो सकता है कि वो घोड़ी रस्से को काट के और खुली जगह में होगी तो वो यानी कि चल देगी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि रस्से को काट के घोड़ियाँ चली जाती है। तो आप ख़रीदने से पहले आप जाके देखें कि जो रस्सी से नहीं बंधी हुई होगी घोड़ी, वो अवश्य यानी बेल से बंधी हुई होगी, वो घोड़ी अवश्य यानी कि रस्सा काटती है। मालिक सेल करने के लिए यानी कि वो झूठ बोल देगा। काफ़ी लोग यानी कि रस्से से, या आप देखे होंगे रस्से से बांधते हैं, लेकिन काफ़ी लोग झूठ बोल देते हैं सेल करने के लिए, यानी कि वो बेल से बांध के रखते हैं। बेल से बांध के रखने का कारण यही है दोस्तों कि वो घोड़ी यानी कि रस्सा काटती है। तो जब भी आप ख़रीदने जाएँ तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों।